सोचना, खुद को निखारना, अपनी अच्छी योजनाएं बनाना, अपनी शक्ति के विषय में पहचान कर खुद को अच्छी बातों के लिए शाबाशी देना, इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति को उस परम शक्ति से, परम ऊर्जा से संबंधित भी करना चाहिए, खुद को जोड़ना भी चाहिए। भगवान से जब आप स्वयं को जोड़ते हैं तो एक तरह से शक्ति धारण करना, शक्ति प्राप्त करने का एक ढंग है। जितना मौन, जितना शांत आप हो जाएं, उतना आपका ये व्यवधान, ये जो डिस्टरबेंस है वो खत्म हो जाती है। जो आपको चार्ज होने नहीं देती वो बाधाएं खत्म होती है। भगवान की शक्ति को पाने के लिए, उस भगवान से जुड़े रहने के लिए आपको शांत होना, सहज होना बहुत जरूरी है। इसे जो कहा जाता है शून्य अवस्था में पहुंचना, जीरो पॉइंट पर पहुंच जाना, वो जीरो पॉइंट वही है कि जहां से आप देखते हैं कि संसार पीछे रह गया। दुनिया की बातें जब आपके अंदर से बाहर निकल जाती हैं, या जहां से आप दुनिया के बारे में नहीं सोचते बल्कि सोच जहां खत्म हो जाती है, विचार खत्म हो जाए, उस स्टेज तक या उस स्टेट तक स्वयं को, अपने माइंड को, अपने मन को वहां तक लेकर जाए, विचार शून्यता हो जाए। कभी कभी मौसम भी आपको, समय भी आपको मदद करता है। जैसे सुबह का समय, वह समय जब पूरी दुनिया शांत होकर सोई पड़ी है तो उस समय जागो। जाकर स्नान आदि करने के बाद फिर अपने आसन पर बैठो, अपने अंदर चलती हुई इस आवाज को सुनो, जिसे कहा गया है कि वह आवाज परमात्मा की वीणा से बज रही है। ओंकार की उस ध्वनि को सुनिए अपने अंदर, उस अनाहत नाद को, अनहद नाद को अपने अंदर सुनना शुरू कीजिए कि कोई ध्वनि, सुन की ध्वनि चल रही है। उस ध्वनि पर अपना मन टिकाकर शांत होते जाइए। आपको लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंदर, कुछ लोगों को आदत होती है वो कोई चित्र देखना चाहते हैं, भगवान की कोई पिक्चर देखना चाहते हैं, तो आप कोई, यहाँ पिक्चर नहीं चल रही, ये कोई आपका मस्तिष्क जो है स्क्रीन नहीं बन गया। और अगर आप कुछ ऐसा देखना भी चाहोगे तो वो कल्पना के प्रोजेक्टर से ही प्रोजेक्ट की गई चीज है, क्योंकि अगर किसी पक्षी से पूछा जाए कि भगवान कैसा होगा तो वो कहेगा बड़ा पक्षी कोई होता होगा। इंसान से पूछा जाए भगवान कैसा, बोले हमारी शक्ल का ही होगा कोई। इसलिए मजे की बात है कि हर व्यक्ति ने अपने अपने रहन सहन के हिसाब से भगवान को कपड़े पहनाए, भगवान को वैसा बनाया,
अगर आप बंगाल में जाएं तो भगवान थोड़े बंगाली नजर आते हैं, राजस्थान में राजस्थानी पगड़ी पहने हुए। हम अपने हिसाब से भगवान को ढालना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब हमारे अपने अंदर उठते हुए भाव हैं। जब आपको भगवान अंदर महसूस होंगे तो कोई चित्र या शक्ल के रूप में नहीं आएंगे। आपसे कहा जाए कि मिठाई, तो मिठाई की शक्ल आप देख रहे हैं तो वो मिठाई नहीं है, मिठाई वो है जो रस बनकर जब जीभ पर आपके टिकती है तब वो जो रस महसूस होता है वो मिठास है। तो भगवान की भगवत शक्ति को अनुभव करना, जैसे मिठाई की मिठास को अनुभव करना, ऐसे भगवान की भगवत शक्ति को अंदर महसूस करिए। जब आप महसूस करेंगे तो आपके अंदर जो कमी है सबसे पहले वो ठीक होनी शुरू होती है। कमी से मतलब जैसे आप डरपोक हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके डर खत्म हो जाएंगे, कोई डरा नहीं सकता। डब्बू है तो कायरता हटने लग जाएगी, चंचल है तो स्थिर होने लग जाएंगे, उदास है तो मुस्कराने लगेंगे। जो आपके अंदर कमी है वो निकलेगी, आपका वास्तविक रूप सामने आएगा। आप बहुत कठोर हैं तो कोमल होने लग जाएंगे, और बहुत कोमल है हर जगह मुड़ जाते हैं, हर जगह हर एक आदमी की बात मान जाते हैं तो थोड़ी कठोरता दे दी जाएगी। इसलिए आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको ये नहीं कहना भगवान मुझे ये दो। जब आप उधर जुड़ जाएंगे तो फिर आपको वो दिया जाएगा जिसकी आपको जरूरत है, आप चेंज होने लग जाएंगे। और जैसे जैसे आप बदलेंगे तो बदलने का मतलब है वहां से शक्तियां मिल रही हैं तो स्वभाव थोड़ा अलग तरह का हो जाएगा। अब आप डरपोक नहीं है, कायर भी नहीं है, कुटिल भी नहीं है, निर्दयी भी नहीं है, कोमल है लेकिन दुष्टता के सामने कोमल नहीं है, दुखों के सामने आप कोमल नहीं है, दुखों के सामने आप मजबूत हैं। सुख आया तो आप अपने गुब्बारे को इतना फूलने नहीं देंगे कि वो फट जाए, संभालोगे अपने आप। तो हर चीज में आपको जो बैलेंस करती है वो भगवत शक्ति, उससे जुड़ने का मतलब है। और उसका तरीका सुबह शांति से बैठिए, शांत होते जाइए, आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली होना है, आप मौन में ठहर जाना है, निर्विचार हो जाना है, अपने अंदर शांति ले आनी है। आज शुरुआत में आपको शांति लाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा जैसे आप नल से पानी मांगने गए, हैंडपंप से पानी मांगने गए, उसको चलाया तो पानी है नहीं, तो आप क्या कहते हैं, अच्छा पहले हमने तुम्हें पानी देना पड़ेगा तब तुम हमें दोगे। तो एक बाल्टी पानी उसमें डालते हैं आप पहले, उसके बाद उसको चलाते हैं। तो जैसे जैसे आप उसे चलाने लग जाएंगे नीचे से पानी आना शुरू हो जाएगा, जो आपने डाला वो पहले बाहर आएगा, फिर नल अपना पानी देगा तुम्हें। ठीक इसी तरह से पहले आप अपने अंदर शांति, एक बाल्टी पानी शांति का डाल दो अंदर, शांति 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 शांति, खुद को कहो शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, शांत होइए। और आप शांत होते होते गहराई में पहुंचिए, जैसे जैसे आप गहराई में पहुंचेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि अंदर की शांति आपके शांत होने को पकड़ लेगी। और जैसे उसने आपको पकड़ा तो पकड़ते ही परिणाम देखिए, अंदर की शांति बाहर फैलनी शुरू हो जाएगी। वो शांति किस तरह की होगी, आपको शांत करेगी और बाहर के वातावरण को भी शांत करेंगे, बाहर का जो वातावरण है दूसरों को भी शांत करेंगे। आपने देखा कि अशांत आदमी दूसरों को भी अशांत कर देता है, एक गुस्से वाला आदमी पूरे घर को गुस्से में भर देगा,
एक लालची आदमी लालच में आया, दो भाइयों के बीच झगड़ा कराया, लालच की बातें बताई। अब अपने किसी दोस्त को वो मतलब दो भाइयों में से एक को लालची बना देगा, उसको लालच सूझेगा तो उसके बाद में दूसरे भाई को भी लालच सूझेगा, फिर दोनों में झगड़े होंगे, फिर अपना अपना लालच लेकर घर को बांटेंगे। तो एक लालची व्यक्ति ने दो को लालची बनाया, उनके घर को तोड़ दिया। एक शांति वाला आदमी आया, उसने दोनों भाइयों को समझाया कि तुम्हारी तरक्की कैसे थी अब तक हुई थी तुम्हारे मिलने से, और तुम्हारा नुकसान कब होगा तुम्हारे झगड़ने से। तुम जितना चाहते हो उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम मिल के चलोगे। ये मक्कार लोग तुम्हें मिलने नहीं देना चाहते, उनके चक्कर में मत आओ। तो एक लालची आदमी आया, घर को तोड़ने लग गया। एक क्रोधी आदमी ने अपना जहर फेंका, वातावरण खराब हो गया। एक विकारग्रस्त व्यक्ति था जीवन का आदि, उसने आकर एक कमजोर को पकड़ा। कमजोर का मतलब जिसका मन कमजोर है उसको पकड़ा। जो बहकावे में आ सकता है वो कमजोर आदमी, उसको पकड़ा, और पकड़ते ही सारे घर को खराब कर दिए, आदत डाल दी गलत। अब पड़ गया आदमी उधर। कोई भी गलत आदमी मिलेगा अपने अंदर का जहर फेंकेगा। कमजोर आदमी पर असर जल्दी होता है, ठंडी हवाएं चल रही हो तो जो अंदर से कमजोर है सबसे पहले बीमार वो पड़ेगा। वायरस सब जगह फैल रहा है, लेकिन असर किस पर करता है, जो अंदर से कमजोर होगा। अंदर से कमजोर नहीं है तो वायरस आएगा, टकरा कर खत्म होकर चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, शांति वाला व्यक्ति शांति फैलाता है और सबको शांत करता जाता है, झगड़े शांत करेगा। और खास बात यह, बुद्धिमान होना ये अलग बात है, पर बुद्धिमान से ज्यादा समझदार होना बहुत जरूरी है। दुनिया में बुद्धिमान तो बहुत है, वो जो बहुत ज्यादा तेज लोग हैं उनसे काम नहीं चलता। तेज लोग क्या करेंगे, कैसे झगड़ा कराना, कैसे तोड़ना। समझदार होगा तो सबको जोड़ देगा। समझदार कौन, जो अपने घर की उलझने सुलझाता है दूसरों के भी सुलझाता है, झगड़े खत्म कराता है, बिछड़ों को मिलाता है। अन्याय हो रहा हो कहीं तो वहां डर दिखाएगा जाकर और दबाकर फिर सबको शांत करेगा। तो समझदार आदमी हो तो दुनिया चलती है, बुद्धिमान तो लूटने को तैयार बैठे हैं। ये जितने भी आज के समय में तेज दिमाग वाले लोग हैं अच्छा ही करेंगे, ऐसा नहीं है, ज्यादा खतरा इन्हीं से है। बुद्धिमान लोग जो बने हुए हैं उन्हीं से ज्यादा खतरा है। जो समझदार होंगे, विवेकी होंगे, होश वाले होंगे, उनसे किसी को खतरा नहीं। तो इसलिए शांत होकर जब आप बैठ जाएंगे और अपना मन शून्य अवस्था में ले आएंगे, उस समय परमात्मा की शक्तियां आपको चार्ज करना शुरू करेंगी, आपके अंदर की जो कमी है वो निकाली जाएगी, आपको भरा जाएगा। परिणाम देखिए, आप अब तक जो थे बदले में नजर आए। जब आप बदले में नजर आएंगे तो आपकी दृष्टि बदली और ये दुनिया बदली नजर आती है। आप अंदर से ठीक हो जाते हैं तो सारा संसार ठीक दिखाई देता है। चोर को दुनिया सारी चोर नजर आती है। चोर से पूछो तो ये कहेगा, कौन सा ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में कभी कोई चोरी ना की। झूठे आदमी से कहो तो कहता हर कोई झूठ बोलता है। जुए वाले से पूछो तो कहता है हर जिंदगी का हर काम कोई ना कोई जुआ है। ये अलग तरह का जुआ है, वो दूसरा, जो भी आदमी काम करता सब जुआ है।
उन्हें लगता है कि सब ऐसा ही है, और मतलबी आदमी से पूछो बोले सब मतलबी लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं हम लोग। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा चश्मा लेकर बैठे हैं वैसा संसार देख रहे हैं। अगर हमारे अंदर का चश्मा साफ हो जाए, मतलब मन साफ हो जाए, तो फिर दुनिया वैसे दिखाई देती है जैसे वो होती है, बल्कि दुनिया ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। बीमार आदमी को जिसको पीलिया हो जाए, उसको संसार अलग तरह का दिखाई देता है, रंग अलग तरह के हो जाते हैं। और जिस आदमी को बुखार है तो उसे आप पानी पिलाओ तो कड़वा लगेगा, उसे मीठी चीज खिलाओ अच्छी नहीं लगेगी, कुछ भी खिलाइए सब चीजें खराब लगती हैं। तो चीजें तो ठीक है, कमी कहाँ है? जीभ पर या शरीर के अंदर। मोतियाबिंद हो गया, एक टीचर थी महिला, वो बता रही थी, बोले मैं बच्चों को डांटती रहती थी कि मुझे मोतिया हो गया था आंखों में। मैं बच्चों से कहती थी कि पेंसिल से जो लिखते हो तो जरा रगड़ कर पेंसिल को दबा कर लिखो, तुम्हारे अक्षर दिखाई नहीं देते। कि मैंने कम से कम 4-5 बच्चों को डांटा होगा, और कम से कम महीने में 3-4 महीने तक ऐसे किया। जिस दिन मैं अपना चश्मा ठीक कराने गई, उसने कहा आप अपनी आंखें चेक कराइए। डॉक्टर के पास गई तो पता लगा मोतियाबिंद है। तब समझ में आया मैं उनको डांट रही हूँ, और डांटने के लिए गलती मेरी थी। पता नहीं लगता, गलती अंदर है, बाहर आप डांट रहे हैं दूसरे गलतियां निकाल रहे हैं। तो जब आप अपना विकार खत्म कर लेते हैं तो ये संसार सुंदर दिखाई देता है, संसार अच्छा दिखाई देता है, संसार में खुशियां दिखाई देती है। पूरी बंजर जमीन में एक कुआं खोदा गया, मीठे पानी का निकला, पूरी जमीन को वो हरा भरा कर रहा है। घर में एक अच्छा इंसान हो जाए पूरे घर को खुशहाल कर देता है। तो वो अच्छा एक तो होता है कि पिछले संस्कारों के कारण अच्छाई लेकर इंसान पैदा होता है, एक होता है अच्छों के साथ बैठते बैठते अच्छा होता है, एक वो होता है कि जो गुरु की शरण में आया तो उसकी जिंदगी के दो पार्ट हो गए, एक वो जो गुरु से मिलने से पहले था, एक वो जो गुरु से मिलने के बाद शुरू हो जाता है, एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, एकदम बदल जाते हैं। ऐसे क्रोधी लोगों को मैं जानता था, जिनको मैं देखता था कि इतने गुस्सेबाज। एक महिला ने आकर बताया, वो अपने पति को लेकर आई, बोले ये सुनते थे टीवी में, सुनते सुनते इनके अंदर बहुत चेंज आया। वो जैन थे सज्जन, दिल्ली में रहते थे। तो उनकी पत्नी ने बताया इतना गुस्सा था इनके अंदर, चीजें उठाकर फेंक देना, टीवी उठाकर तोड़ देना। मैच देख रहे थे और आखिरी गेंद पर लगता था इंडिया जीतेगा, नहीं जीत पाया, तो उसने तो उठाया टीवी और फेंक दिया, अपना नुकसान कर लिया। अब टीवी तोड़ने से तो कोई मैच जीता नहीं जाएगा, बहुत गुस्सा आ गया। ऐसे किसी पर भी गुस्सा आ जाता था। वो कह रहे एक बार तो कूलर पर गुस्सा आया, कूलर में हाथ डाल करके अपनी उंगलियां खराब हो गई, लेकिन उसको पीछे धक्का दे करके फेंक करके छोड़ा, इतना गुस्से में। और जब वो सत्संग में आते आते उसका गुस्सा खत्म होना शुरू हुआ, तो इतना हो गया कि अब मोहल्ले वाले आकर कहते हैं ये भाई साहब ऐसे बदले कैसे, इतना चेंज कैसे आ गया। कारण क्या था? सुनते सुनते खुद को समझ आए कि मैं बहुत बड़ी गलती करता हूँ, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, कंट्रोल करने से मेरी जिंदगी कुछ और हो जाती है। तो बदला, इतना बदल गया कि आकर के फिर वो सेवा में लगा। जहां लोग बैठते थे तो जूतों वाली जगह में बैठता था जूते ठीक करना, लेकिन वहां भी लोगों को लाइन में लगवा कर जूते ठीक से रखवाए, जोश तो उसमें बहुत था। वो काम करने के बाद पानी वाली जगह जाकर के देखे, पानी जहां पिलाया जाता है दूसरी जगह पूरा चक्कर काट करके फिर बैठता था, क्योंकि ऐसे आदमी के पास एनर्जी बहुत होती है। जो गुस्सेबाज आदमी होता है उसके पास ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन उसे आप सही जगह लगा दीजिए
तो ये समझ लीजिए चार आदमी इतना काम नहीं कर सकते जितना वो अकेला काम कर सकता है, उसमें काम करने की ताकत बहुत है। मैं उससे कहता था, मैंने कहा शांत होकर बैठो और ध्यान लगाओ। वो बोले मैंने जिसको बुरा भला कहा है वो सब दिखाई देने लग जाते हैं, फिर गुस्सा आने लग जाता है, तो आप मेरे से सेवा कराइए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम सेवा करो। तो सेवा करते करते वहीं बैठकर नाम जपता था, मन टिकने लग गया। तो जब मन टिक गया तो उसके बाद इतना स्थिर हो गया। अब मेरे से एक दिन आके कहता कि अब गड़बड़ हो गई। मैंने कहा अब गड़बड़ क्या हुई? बोले जो पिक्चर अंदर चला करती थी ना वो खत्म हो गई है, अब जो दुश्मन दिखाई देते थे अब नहीं दिखाई देते। मैंने कहा क्या दिखाई देता है? बोले बस कुछ नहीं दिखाई देता, शांति अंदर आती है और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने बहुत सुंदर रंगों से संसार को सजा दिया है, अब दुनिया अलग हो गई। तो सुबह का समय उपयुक्त है, आप बैठिए और कभी कभी प्रकृति के बीच जाओ, निसर्ग के बीच बैठकर वहां भी आनंद मनाओ और ऐसी कोशिश करो जैसे कहीं नदी का किनारा है, झील का किनारा, या पहाड़ के तलैटी है, या पेड़ों का जुरमुट है, ऐसी अच्छी जगह पर बैठ जाइए, शांत होकर बैठिए। नहीं तो अपने घर के छत के ऊपर छोटी सी झोंपड़ी सी बनाकर और उसी में बेलें चढ़ाकर, गमले लगाकर, फूल लगाइए खूब सारे और वहां बैठा करो, उसे पवित्र बना करके बैठिए। वहां पर जूते नहीं जाने चाहिए, ऐसी जगह जाकर के आप थोड़ी देर ध्यान कीजिए। देखिए कृष्ण भगवान ने ध्यान करने के लिए दो चीजें कही, एकाकी निराशी या चित्तात्मा। अकेले होकर बैठो, एकांत में बैठो, इच्छा रहित होकर बैठो और युंजीत सत्तम आत्मान, स्वयं को लगातार भगवान से जोड़ो। अपरिग्रह कुछ मांगने के लिए नहीं, संसार की कामना के लिए नहीं, भगवान से भगवान का होने के लिए उसके चरणों में बैठो। और एक अद्भुत बात और कही, मन को इतना अकेला कर दो कि मन ही खो जाए, इतनी शांत अवस्था में बैठो कि जहां से दुनिया की आवाज नहीं, दुनिया के मालिक की आवाज सुनाई देने लग जाए, इस तरह से बैठिए तो फिर देखिए आना। और लगातार अपने आप को जोड़े रखिए चार्ज होने के लिए। तो जब आप ऐसी जगह बैठे, सुबह सुबह का समय हो, आप देखते हैं ना कि जिस समय धीमी धीमी हवा बह रही हो, पूरी दुनिया सोई पड़ी है, शांत होकर आप बैठ गए तो प्रकृति भी शांत, आसमान से ऊर्जा धरती पर आ रही है, सूर्य की किरणें अभी आई नहीं है, अभी आकाश में थोड़ी सी लाली आई। तो इसको कहा गया ब्रह्मे मूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म वेला में जाग जाओ, धर्मार्थ चानो चिंते, धर्म के विषय में चिंतन करो, जिंदगी में मेरे धर्म कितना आया, धर्म कितना कमाया, मैं कितना धार्मिक हो पाया, भगवान के नियम कितने मैंने माने, मैं कितने नियम वाला हूं, मेरा संकल्प अब तक निभा या नहीं, मेरे तन ने मुझे भगवान की तरफ कितना लगाया, मेरे मन ने मुझे भगवान की तरफ कितना लगाया, मेरी बुद्धि ने भगवान की तरफ मुझे कितना लगाया, मेरे धन ने मुझे भगवान की तरफ कितना लगाया, मेरे रिश्तों ने मुझे भगवान की तरफ कितना लगाया। रिश्तों में फिर याद आएगा, संसार के रिश्ते तो मुझे भगवान से मिलने नहीं देते, पर संसार में सबसे बड़ा रिश्ता गुरु का रिश्ता है, वो मुझे भगवान से जुड़ता है। तो फिर सोचना गुरु के प्रति मैं कितना रिश्ता निभाता हूँ, क्या करता हूँ। अगर गुरु के प्रति रिश्ता गहरा है तो फिर ये ध्यान रखिए, आप अकेले बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि गुरु भी दूर नहीं है,
कभी कभी तो यहाँ तक होगा आप उठेंगे और उठकर जैसे ही अपने मुंह हाथ धोकर बाहर आए आपको लगेगा जैसे गुरु घर में हो करके निकले, ऐसा महसूस होगा, दूर नहीं लगेगा। तो इसलिए रोज अपने आप को निखारिए, रोज अपने आप को जोड़िए, रोज अपने आप को शांत कीजिए, रोज अपने आप को परमात्मा की कृपा का पात्र बनाइए। भगवान अपने आप सबको देना शुरू कर देगा। बर्तन को खाली करने की आवश्यकता है, आप अपना मन मस्तिष्क खाली कीजिए, आप कमरा खाली कीजिए, भगवान बैठेंगे वहां। वो पहले देव शक्तियां आकर देखती हैं कि भगवान के लिए बैठने के लिए जगह बनाई या नहीं बनाई। अगर आपके मन में दुनिया चल रही है, दुनिया के विचार चल रहे हैं, तो देव शक्ति आकर टकरा कर वहां से वापस चली जाती है। और पहले देव शक्तियां आती हैं, देव शक्तियों में साहस आएगा, शांति आएगी, पवित्रता आएगी, निर्मलता आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगी, ये सब उदारता, सहिष्णुता, ये शक्तियाँ आनी शुरू होती हैं। और यही सबसे पहले आपको लाभ देती हैं। आखिर में जब परमात्मा से मेल होता है तब वो आते हैं, तब उनका स्वरूप किस रूप में आता है, आनंद स्वरूप बनकर भगवान आते हैं। रोम रोम में आपके प्रकाश भर जाएगा, रोम रोम में आनंद बहने लग जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा ये क्या मिल रहा है मुझे, ऐसी चीज तो मैंने दुनिया में महसूस ही नहीं की आज तक, इतना आनंद, इतना चैन, अद्भुत स्थिति हो जाएगी। तो रोज बैठने की आदत बनाए और बैठें, नाम जपें, भजन करें, प्रार्थना करें और कभी चुपचाप बैठें। आइए मिलकर एक भजन सभी उच्चारण करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे जीवन को कुंभम बना दो, कोई खोट रहने न पा, प्रभु मेरे जीवन को कुंडम बना, कोई नजर आने लग जाए।
Thank you.
खुश हो। जैसे मैंने आपसे कहा, अपने भीतर अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मार्ग है शांति का। इसे इस तरह कहा गया, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, छह चीजें षटक संपत्ति कही गई है। आध्यात्मिक दौलत छह तरह की मानी गई है। सबसे पहले शम, शांति। शांति से मतलब है कि आप अपने कारोबार में, अपने घर में, अपने माहौल में, अपने मन में शांति स्थापित करो। मन शांत, वाणी शांत रखो, बोलने में भी शांति की भाषा बोलो, अशांति की भाषा नहीं। तो घर में शांति, आपके मन में शांति, जहां काम करते हैं वहां शांति का वातावरण बनाओ। इससे विकास होगा, इससे आपकी तरक्की होगी। अशांति से तरक्की नहीं होती, शांति से तरक्की होती है। शांत होंगे तो आपका विकास होगा। तो शांति की दौलत कमाइए, ये पहले ध्यान देना। और कहते हैं शांति तो आपकी जिंदगी की वह शक्ति है जिसे कहा आध्यात्मिक रूप से आपका एक परिवार है, उसमें शांति को पत्नी कहा गया। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी, सत्यम सुनुरयम दया च भगिनी। जिसके परिवार में, आध्यात्मिक परिवार में धीरज पिता है, क्षमा माता है, शांति पत्नी है, सत्य बेटा है, और भ्राता मन संयम, मन का संयम भाई है, और जिसके साथ सत्यम सुनुरयम, इसका बेटा सत्य जिसकी ये रक्षा करता है, जिसे ये बढ़ाता है। ज्ञानामृतम भोजन, ज्ञान का अमृत वही ये भोजन करता है। दिशोभिवसनम, दिशाएं इसका वस्त्र बन गई, मतलब जहां भी जा रहा है हर कोई इंसान जो इसके संपर्क में आता है वही इसकी शोभा बन गया, इसका श्रृंगार बन गया, सबको अपना श्रृंगार बना लिया। एते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः, जिसके ऐसे ऐसे साथी हों, रिश्तेदार हों, कहते हैं उसे कहीं भय नहीं होता, निर्भय होकर इस दुनिया में जीता है और उस लोक में जाएगा जहाँ परमात्मा का धाम है, वहाँ से ये परम आनंद प्राप्त करके जब फिर दुनिया में आएगा कभी, तो फिर दुनिया में भ्रमण करने के लिए आएगा, पृथ्वी ग्रह पर भ्रमण करने आएगा। वो भ्रमण करना कैसे, जैसे महान पुरुष आते हैं इस धरती पर, जन्म लिया, शरीर भी शांत हो गया, लेकिन उनकी आत्मा इस धरती पर, इस पृथ्वी ग्रह पर यात्रा करने के लिए आई थी, पर्यटक बनकर आए। पर्यटक बनकर आए तो उस देश के, उस दुनिया के संदेश लेकर आए। कैसे मीठे झोंके आ रहे हैं उस पार के। ऐसे लोगों के साथ बैठने से आपको उस दुनिया की जानकारी मिलती है। कैसे मीठे झोंके आ रहे हैं उस पार के, संदेश ला रहे हैं मेरे प्यारे के प्यार के, मेरे भगवान के प्यार का संदेश लेकर आती है हवा। किसी महान पुरुष के पास बैठे तो उसके साथ बैठने से जो शांति मिलती है, जो कुछ अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं, वो जुड़ा हुआ उधर से है, उधर की हवा इधर आ रही है, वो आपको शांति दे। किसी महान पुरुष से पूछा गया, राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास बैठने से बहुत शांति मिलती है, ये कहां से लाते हो, इतनी शांति, इतनी शीतलता,
इतना प्रेम, इतना कुछ मोहक आकर्षण है, बैठे रहे, मन करता है उठे नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे तन में और मेरे तन में कोई अंतर नहीं है, तन सबका एक ही है। बोले सामने की मिट्टी उठाकर लाओ। तो व्यक्ति मिट्टी उठाकर लाया वो राजा। तो इन्होंने कहा इसको सूंघ कर देखो। मिट्टी को सूंघ कर देखा तो उसमें गुलाब की खुशबू आ रही थी। महात्मा ने कहा इसमें खुशबू क्यों आ रही है गुलाब की? उन्होंने कहा आप ही बताइए। बोले ये गुलाब के जड़ की मिट्टी है, जहां गुलाब की पंखड़ियां गिरती रही और उसके कारण इसमें मोह, ये महक आ गई। बोले इसका मतलब क्या हुआ? तो महात्मा ने कहा कि बस इसी तरह से मिट्टी तो सब बराबर होती है, लेकिन जिस मिट्टी में महक आ रही है तो वो गुलाब की जड़ में बैठी, ऐसे मेरा तन भी मिट्टी का, तुम्हारा भी तन मिट्टी का है, लेकिन मेरे अंदर शांति की, प्रेम की, करुणा की, आनंद की जो महक खुशबू आ रही है वो इसलिए आ रही है कि मैं वो मिट्टी हूं जो परमात्मा की जड़ के साथ चिपकी हुई है। परमात्मा की जड़ के साथ चिपकी हुई मिट्टी में उसकी शांति आने लग जाती है। इसलिए ऐसे महान पुरुष अपने लिए कुछ नहीं चाहते। वो अगर किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उसे कहते हैं कि तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा हुआ। ऋषि दयानंद ने भी अमिचंद को कहा था कि तू है हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा। तो उस व्यक्ति की जिंदगी बदल गई। महान पुरुष किसी के कहने से किसी को कुछ नहीं कहते कि किसी ने बोल दिया तो इसलिए कह रहे हैं। उनके अंदर से आवाज आती है तो क्यों आती है? क्योंकि वो सबको बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं हर आदमी ऊपर उठ जाए, ऊंचा उठ जाए, तो इसलिए कहते हैं अपने आप को पहचानो तुम क्या हो। और जब व्यक्ति अपने को पहचानता और ऊंचा उठने लग जाता है तो उसे खुद को देखकर जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा गुरु को खुशी होती है कि इसने तरक्की की। ये आपके घर की खुशहाली को देखकर सारी दुनिया जलती है, लेकिन आपकी खुशहाली को देखकर जो सबसे ज्यादा खुश होता है वो आपका सदगुरु ही तो है जो आपसे खुश होता है। तो देखता है कि मुस्कान आए सबके लबों पर, सब खुशहाल हो जाए। तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को एक आध्यात्मिक परिवार देखना चाहिए। अंदर भी एक परिवार है जिसमें धीरज को पिता का स्थान दे। अनाथ होकर कोई नहीं रहना चाहता, सब चाहते मेरे सिर पर बड़ों की छाया रहे। तो कहते हैं अगर तुम्हारे पास धीरज है, धैर्य है, हौसला है, हिम्मत है तो पिता है ही, ये तुम्हें संभाले हुए है। साहस वाला जीतेगा, साहस वाला ऊपर उठेगा, साहस वाला खतरों से लड़ेगा और मुसीबतों में वही टिकेगा जिसके पास साहस है, जिसके पास हौसला है, जिसके पास धीरज है, जो अपने को संभालना जानता है वही अपने आप को मुसीबतों में संभाल कर बचाता है। पांव उखड़ जाते हैं लोगों के, घबरा जाते हैं जल्दी। शिवाजी ने जीजा माता से जो सबसे ज्यादा संदेश लिया वो ये, कैसी भी मुसीबत क्यों ना है अपने आप को कमजोर मत होने, और हाथ से हथियार से लड़ने से पहले दिमाग से लड़ो। दिमाग की लड़ाई लड़ो, दिमाग का प्रयोग करो अच्छी तरह। समस्याओं का समाधान करने के लिए बाद में भागना, पहले दिमाग का सही इस्तेमाल करो। तो शिवाजी ने जिस तरह से समस्याओं का सामना करके समस्याओं को ठीक किया, ये उनकी विशेषता थी। हौसला, संतुलन बहुत जबरदस्त, और दूसरी बात थी गति, स्पीड बहुत थी। और लोग जिस जगह पर 10 मिनट में या 1 घंटे में पहुंचेंगे, जो 1 घंटे में पहुंचेगा तो शिवाजी वहां 1/2 घंटे में पहुंचते थे, पहले ही पहुंच गए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं धीरज महत्वपूर्ण गुण है और ये धीरे धीरे बढ़ता है। सीखा कैसे जाए? जैसे कोई आदमी सफल है अपनी जिंदगी, किसी भी मामले में सफल होना, सफल होने का मतलब
जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम्स को पास करके डिग्री ले ली तो लोग कहते हैं सफल हो गया। किसी ने सपना देखा था मकान बन जाए, मकान बन गए तो कहते चलो सफल हो गए मकान बनाने। कोई आदमी नौकरी लग गई, ऊंचे पद पर जाकर बैठ गए या तरक्की हो गई तो कहते हैं सफलता मिल गई। ये तो छोटी छोटी सफलता है, इनको छोटी सफलता कहेंगे। बड़ी सफलता क्या होती है, जिंदगी का जो एम बनाया था, टारगेट बनाया, जो जिंदगी का गोल था वो उसको अचीव कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया तो सफलता है। सफलता मिलते ही क्या होता है, सफलता मिलते ही सफलता आपको पहचान देती है, आपकी नई पहचान होती है। अब तक आपको कम लोग पहचान रहे थे, अब रिश्तेदार भी कहते हैं हाँ मानना पड़ेगा है भाई, मोहल्ले वाले कहते हैं। सफलता पहचान देगी, सफलता आपको मान देगी, सफलता आपको ऊंचा बैठाएगी, सफलता आपको खुद पर आत्मविश्वास करना सिखाएगी और सफलता आपके गुणों को आगे बढ़ा देगी और सफलता सफल लोगों के बीच जाकर बैठा देगी। तो अगर आप सफल होते हैं तो कितने ऊंचे बैठते हैं। कुछ लोग लायक पिता के नालायक बच्चे और कुछ ऐसे बच्चे जिनके कारण उनके पिता और दुनिया कहती है ये फला व्यक्ति के पिताजी जा रहे हैं, बेटे के कारण पिताजी जाने जाए। तो सफलता आपको वहां तक पहुंचाती है। और सफलता किस तरह प्राप्त होती है, एक दिन में सब काम नहीं हो जाता, धीरे धीरे। जैसे कायर आदमी को, डरपोक आदमी को धीरे धीरे वीर बनाया जाए, उससे साहस के काम कराइए, वो कुछ अच्छा कर जाए शाबाशी दो, उसके बाद फिर उससे कुछ और कराइए फिर शाबाशी दो, वो जीतता जा रहा है, सफल होता जा रहा है, बड़े बड़े साहस के काम करता जा रहा है। तो ये कमाल की बात है कि विजय प्राप्त करते करते कायरता की जगह वीरता आती है, और वीरता जब आएगी तो साहस, साहस से ही चार्ज होता है, ये नियम है। साहस जो है साहस, साहस से ही चार्ज होता है, वीरता वीरता से बढ़ती है। जब आप डर को जीतते जाते हैं, अपने डर को जीतिए, डर जैसे जीत लिया आपने बस वही सफलता है, वही आपकी जीत सामने खड़ी हुई है। डर के आगे जीत जो कहते हैं ना लोग, वो यही है, डर को जीतो, डर को पार करो तो उधर सफलता खड़ी है। जितना जितना अपने आप को आप जीतते जाएंगे, मतलब किसी भी काम में सफल होंगे तो ये याद रखिए, सफल होने का मतलब आपके अंदर का डर खत्म होना, शौर्य बढ़ना, वीरता बढ़ना, बहादुरी आना, बहादुरी से बहादुरी बढ़ती जाती है, और फिर इतने साहसिक हो जाते हैं, खतरों से खेलने की आदत पड़ जाए तो ऐसी चीजें कर जाते हैं लोग। हम लोग छोटे थे, खेल रहे थे, गांव में कुआ था, कुएं के पानी जहां बहता था नाली के पास में हाथ लगा के बैठे थे, तो कुछ बच्चे मेंढक पकड़ पकड़ कर छोड़ रहे थे पानी में, हमने भी हाथ डाला कि हम भी कुछ पकड़ेंगे। अब हमें पता नहीं था, हमारे हाथ में मेंढक आया, हमने कहा आ गया, लेकिन वो इतना लंबा होता चला गया। अब हो गया, हमने कहा मेंढक पकड़ा, वो इतना लंबा हो गया, सबने देखा सांप सांप उठा के ऐसे फेंका, तब समझ में आया कि बहुत बड़ा मेंढक पकड़ लिया। और तब तक नहीं डरे थे, जब वो सांप जाने लगा लोग डर डर के भागने लगे, फिर हमको भी डर लगने लगा, सच में बहुत गलत हो गया। डर तो वो देख देख कर डर पैदा हो गया, उससे पहले कोई डर नहीं था। डरपोक एक कायर आदमी, एक डरपोक आदमी सबको डरा देता है, और एक बहादुर आदमी सबका डर खत्म कर देता है। तो लगातार डर को अपने जीतो और अपनी बहादुरी बढ़ाओ, सब बात बनेगी। और डरते रहेंगे समस्याएं बढ़ती रहती, तो निवेदन है शांति बढ़ाइए, धीरज बढ़ाइए, बढ़ेगा धीरे धीरे, शांत होते जाओ, धीरज बढ़ाते जाओ, वीरता बढ़ाओ, क्षमा करने की आदत बढ़ाओ,
सत्य को जीवन में बढ़ाते चले जाइए, और साथ साथ में जहाँ मौका मिले दूसरों को क्षमा करने की कोशिश कीजिए। फिर ये भी एक बात ध्यान रखनी है, हर व्यक्ति को लगता है जिसके साथ उसका भाई होता है ना, तो वो बाजू बना हुआ होता है, उसकी ताकत बना हुआ होता है। तो कहते हैं आपका भ्राता मन संयम, स्वयं पर कंट्रोल करने की जो ताकत है आपकी, वही आपका भाई है, वो आपकी मजबूत बाजू है। अपने पर कंट्रोल होना चाहिए, जब गुस्सा आ रहा हो रोक सको अपने आप, बड़ा मुश्किल होता है। गुस्से के समय में गुस्सा अकेला नहीं आता कभी भी, उसका पूरा खानदान साथ होता है। गुस्से के खानदान का पता है ना आपको, हिंसा पत्नी, जिद बहन, और नफरत बैर, बैर उसका बेटा, नफरत बेटी, ये सब एक ही जगह खड़े रहते हैं। और जिद तो इतनी प्यारी बहन है गुस्से की, अभिमान इसका पिता है, पिता को अभिमान के कारण गुस्सा आएगा, इसने मेरी ईगो को हर्ट किया है, मेरी अकड़ को, और बाप को छेड़ दिया इसने, गड़बड़ी की है। तो ईगो हर्ट हुई है तो इसका मतलब है कि अब गुस्सा बाहर निकलेगा, बाप को छेड़ा गया है, तो बाप को छेड़ा गया, बेटा बाहर आ गया, बेटा जो है वो अकेला नहीं आता, बहन साथ आती, बहन को ने जिद। अब कोई समझाए भैया नहीं गुस्सा करना, क्यों गुस्सा करते हो, तो जिद एकदम उसको दबाती जाती है, हाथ दबाएगी और कहेगी इसकी बात मानना नहीं, तो आदमी क्या कहता है, मुझे क्यों समझा रहे हो, उसको समझाओ ना, मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा, ये बार बार ऐसा करता, आज इसको ठीक करके छोड़ूंगा। तो जैसे ही आएगा तो आप देखते हैं ये कहां बैठा होता है, यहां नथुने पर और भ्रुकुटी के ऊपर, अकड़ होती है सीने पर, तो नथुने फूल जाएंगे और फिर दांत पीसना शुरू करेगा, मुठियां कस लेगा। कितनी भयंकर शक्ल होती है, अगर गुस्से वाले आदमी का गुस्सा करते हुए का फोटो खींच के उसको दिखावा, एक आदमी खींच रहा था दूसरे का फोटो, बढ़िया फोटो खींचने के लिए, उसने गुस्सा जब भयंकर था तो उस समय फोटो खींच रहा था, तो वो गुस्से में आकर बोलता है क्यों फोटो खींच रहे हो, बोले अपने घर लेके जाऊंगा, क्या करोगे इसका, कि अपने भाई को डराया करूंगा, जैसे उसको दिखाऊंगा कि ये देख डेविड का रियल फोटो। हर वो आदमी जो गुस्से में आ जाए तो उसका असली चेहरा देखना हो, जो उसका असली है ना, वो दिखाई देगा उस समय। निवेदन ये है, रोकिए, पानी ज्यादा पियो, जब गुस्सा आ रहा हो, कनपट्टी यहां से गर्म हो रही हो ना, गुस्सा जब आएगा तो पहले चिंगारी यहाँ आती है, इधर यहाँ गर्म होना शुरू होता है, फिर यहाँ से चलते चलते फिर यहाँ होता है, यहाँ से आते आते माथे पर आएगा ना, माथे पर आते आते फिर भौहों पर आता है, यहाँ से आते आते आंखों में चिंगारियां, आंखें फूल जाएंगी, फैल जाएंगे ऐसे, उसके बाद नथने फूलते हैं और फूल फूल की आवाज निकालता है अंदर से। आपने किसी भैंसे को या किसी बैल को गुस्सा करते हुए देखा होगा, वो फूंक की आवाज निकालता, आदमी भी ऐसे करता। और फिर आपने जानवरों को देखा होगा, जैसे वो घी घी करके दांत ऐसे बाहर निकालते हैं, ऐसे आदमी दांत पीसता है, और जैसे जानवर अपने पंजे ऐसे आगे करते हैं ना, तो आदमी भी ऐसे छीर दूंगा फाड़ दूंगा, वो जानवर पना अंदर से प्रकट होता। पहली चिंगारी कान के पास जब आए, उसी समय माथा ढीला छोड़िए, मुस्कराने की कोशिश करिए, दांत से जीव को दबाइए, मन मन में भगवान को याद कीजिए और सोचिए बुरी घड़ी है, इसको टालना अच्छा है, इस समय बात करने से कोई फल नहीं निकलेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, लड़ाई लड़ाई है, काम बिगड़ सकता है, बढ़ जाए तो जिद आ जाएगी, जिद फिर रोकेगी नहीं, मतलब आदमी को गुस्सा करने से रोकेगी नहीं, बढ़ाएगी। दो आदमी लड़ रहे हैं, एक कहता सिर फाड़ दूंगा, दूसरा कहता टांग तोड़ दूंगा, दोनों ने हथियार हाथ में लिए, खूब लड़ रहे जोर जोर से, लोगों ने समझाना शुरू किया, भैया तुम अच्छे खानदान के इंसान हो, क्यों लड़ाई लड़ते हो, देखो एक दूसरे का सिर फूट जाएगा, टांग टूट जाएगी। सबने समझाया, बिल्कुल नहीं माने। एक आदमी आ गया बीच में, उसने पर्चा लिया, बोले भाई साहब जरूरी कागज है जरा पढ़ना।
तो दोनों ने पढ़ा, पढ़ते ही लड़ाई छोड़ के निकल गया। तो सबने पूछा भी तुमने ऐसा क्या पढ़ा है इनको जो ये एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए थे तो एकदम छोड़ दिया। बोले मैंने इनको अपनी क्लिनिक का ये पर्चा दिया, मैंने कहा कि अगर आपको हड्डी वड्डी टूट जाए तो सेवा का मौका देना। तो ये छोड़ के भाग गए, मेरे क्लाइंट निकल गए तो मुझे दुख है। मैं तो ऐसे क्लाइंट ढूंढता हूँ, कोई आदमी ऐसा मिल जाए, कोई बढ़िया पेशेंट मिल जाए जिसको जो है हड्डी वड्डी जोड़नी पड़ जाए, सिलाई करनी पड़ जाए चमड़े की। तो बढ़िया पेशेंट ढूंढा था, अभी हाथ से निकल गए, पर्चा दिया था। मैंने उनसे कहा भैया पढ़ लो, तो कभी अक्ल आ जाए तो आ जाए, ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। धीरे धीरे आप अपने आप को जीत सकते हैं। और जीतने का नियम ये, महिलाएं ध्यान दें, जबान चलाना, जब कोई गुस्से में आ रहा हो तो उस समय ज्यादा बोलने से बचना, जिद नहीं करना, बार बार उसी बात को रिपीट नहीं करना, सामने से हट जाओ उस समय और कहो कि अच्छा बाबा तुम्हारी बात मान लेंगे, वो शांति करो। और बाद में जब शांत हो जाए फिर तरीके से, फिर उसको नीचा नहीं दिखाओ कि तुम गलत थे, फिर उसको कहो कि आप अपनी जगह सही हो सकते हैं लेकिन आपने हमारा पक्ष नहीं सुना, आप हमारी बात भी सुने। तो फिर आराम से अपनी बात करो। गर्म लोहे को ठंडे लोहे से काटा जाता है, गर्म से गर्म जब मिलेंगे तो चिंगारियां उड़ेंगी। होता यह कि आदमी गाली गलौज देने पर और दादागिरी दिखाने पर उतर आता है, महिलाएं जबान चलाने को, और फिर जिद में आ जाएंगे, फिर बोलेंगे क्या कर लोगे, अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए मार तो सकते हो, पीट सकते हो, पीटो दिखाओ मर्दानगी। अब उस स्थिति में जो है क्लेश बढ़ता है, गुस्से को टालिए, रोकिए। जब तक आप अपने माथे को बल नहीं पड़ने दो, माथे को ढीला छोड़ो, मुस्कुराहट कायम रखो, ध्यान बटाए रखो, तो इस गुस्से का जहर आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। जबान चलाने से भी काम बिगड़ता है। कभी जब कोई आदमी किसी को डांट रहा हो, समझा रहा हो, कई लोग उस समय में गलत ढंग से बोलते हैं, ऐसे गलत ढंग से ऐसी बात बोल देते हैं कि जिससे काम और खराब हो जाता है। तो बचिए इसे, अपने घर को खुशहाल बनाओ। लड़ाई झगड़े वाले घर में दरिद्रता पनपती है, वहां की खुशियां चली जाती है, वहां की बरकत चली जाती है, क्यों झगड़े में पड़ते हैं। जितनी शांति जितना प्रेम अपना बना सकते हैं बनाए, और गलती हो जाए तो माफी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर आप झुक जाएंगे तो झुक जाने से छोटे नहीं हो जाएंगे। इसलिए हाँ, पुरुषों को एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए, कभी महिला कोई बात अपनी कहे, हर महिला को 40 दिन के बाद, लगभग एक महीने या 40 दिन के बाद एक दौरे जैसा पड़ता है, सबको नहीं पड़ता, किसी किसी को पड़ता है। थोड़ा रिफाइंड करता हूं बात, मतलब अंदर गुब्बार इकट्ठा हो जाता है इनके, छोटी 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 बातें सुनते 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 इतना प्रेशर बन जाता है, ये अपनी बात कहना चाहती है और कोई सुनता नहीं, आगे से डांट देते हैं, तो उस समय काम खराब होता है। और पुरुष लोग जो है उनकी पूरी बात को बिना सुने अपनी बीच में बात कह करके खत्म करते हैं। अच्छा तुमने कह दिया ना, कर देंगे बात, बात खत्म करो, अब बोलना छोड़ो। आप एक बात समझिए, कोई भी महिला आपसे कोई समाधान नहीं चाहती, वो अपना अंदर की बात कहकर अपना मन शांत करना चाहती, अपने दिल की बात कहना चाहती। अगर उसकी बात को कोई सुन ले तो उससे उसको बहुत शांति मिलती। आदमी लोग सुनना नहीं चाहते, बस सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होती है, कोई भी पुरुष बात सुनना ही नहीं चाहता, वो क्या कहना चाहती है, वो क्या उसके अंदर है, उसकी बात को कोई सुनता नहीं। अगर उसकी बात को सुन ले
और आप भले उसके लिए कुछ भी ना करो, सिर्फ बैठ के सुन लो एक बार, इतने से उसको इतनी तसल्ली हो जाती है कि मुझे समझते हैं, मेरी बात सुनते हैं। इसलिए किसी महिला को आप उपहार दें उससे इतना खुश नहीं होंगे। अगर आप अपना वक्त उसको दें तो उसे लगेगा इससे बढ़कर मुझे उपहार नहीं दिया। वक्त दे दिए, साथ बैठिए, सुनिए और अच्छे श्रोता बनकर, अच्छे श्रोता बनकर के सुनिए। और जो उन्होंने सुनाना सुना है, और देखिए उनके मन में कुछ नहीं होता, वो गुब्बार निकालना चाहती है अपना, वो गुब्बार अपना निकाले, मन उसका शांत हो जाए। जैसे मन शांत हो जाए उसके बाद उसे एक दो लाइन में अपनी बात समझा दीजिए, समझ जाएगा और अच्छे से समझ जाएगी। और ये अजीब बात है कि ये लोग पहाड़ जैसी गलती को माफ कर दें और अटक जाए तो तिनके पर अटक जाएंगे, एक सुई पर अटक के खड़े हो जाएंगे बिना बात के। आप लोग सोचते हैं, पुरुष लोग सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, उनका वो गुब्बार बना हुआ होता है अंदर। और कमाल की बात ये है कि ये इतनी होशियार होती हैं, अपना गुब्बार निकालने के लिए ये बहाना ढूंढेंगे, बेटे का नाम, बच्चे का नाम किसी का आगे कर देंगे। मैं अपने लिए नहीं बोल रही, बच्चे के लिए बोल रही, आप सुनते नहीं, बहाना उसका, अपनी बात कह जाएंगे। होशियारी बहुत होती है, आदमी बाद में पछताता ही रहता है कि वो तो बच्चे की बात कर रहे थे, मैं उसकी बात नहीं सुना, असलियत में उसने अपना गुब्बार सुनाना। लेकिन मैं फिर कहूंगा सुने शांति से और फिर देखें कि आपका घर कितना खुशहाल होता है। शांति घर में लाए। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त नहीं रहा, हमें जल्दी जल्दी बात करनी है। जो हमारा समय था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन अब जो है 10 मिनट आपकी लूंगा, मैं कुछ और बताना चाहता हूं थोड़ा सा आपके लिए, अलग समय दे रहा हूं, थोड़ा अधिक दे रहा हूं। दूसरी बात बताना चाह रहा हूं आपके लिए कीमती है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, इसी तरह कीमती है आपके घर के बड़े बुजुर्ग। अपने बुजुर्गों को मान सम्मान और सेवा का उपहार दें। देखिए एक पिता अपनी पूरी जिंदगी लगाकर, अपने जीवन का सबसे कीमती समय लगाकर, अपना सब कुछ देकर अपने बच्चे को पालता है। उसको अपना कुछ क्या चाहिए, क्या खाता है, क्या पहनता है, सारा दिन दौड़ता है, सारा दिन भागा घूम रहा है, किस लिए, अपने बच्चों के लिए भाग, और बच्चे उसको समझे नहीं, उसके साथ बैठने को तैयार नहीं, उसको मूर्ख समझे, ये नादानी है। कोई किसी से हारना पसंद नहीं करता, एक बाप है जो अपने बच्चे से हार कर खुश होता है, मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़ गया। अपनी बाहों के झूले में झूला झूला कर जो आपको खुशियां देना चाहता है, अपने कंधों पर बैठा कर दुनिया दिखाना चाहता है, जो अपने आप को सीढ़ी बनाता है और कहता है मैं सीढ़ी बन जाऊं और इस सीढ़ी पर चढ़ता हुआ मेरा बेटा संसार में सबसे ऊंचा हो जाए, ऐसी जगह, ऐसा रिश्ता दुनिया में कोई और नहीं है, सिर्फ पिता है। और अगर भगवान को भी इंसान जब रिश्तों में पुकारता है तो क्या कहता है, माता कहता है, पिता कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्योंकि कोई भी किसी के लिए करेगा, हिसाब रखता है मैंने क्या क्या किया। अगर किसी को पालने के लिए चाचा पालने लग जाए, पिता न रहे, तो मजबूरी या स्वभाव, एक पैसा भी खर्च करेगा उसके लिए हिसाब लिखेगा, आज इसको मैंने इतने पैसे दिए, पढ़ाई पर इतना पैसा लगाया गया, कपड़ों पर इतना पैसा लगाया गया, और चाची की हालत, खाना खिलाने बैठेगी अपने बेटे को खिलाएगी तो कहेगी कुछ खाता ही नहीं है, और पढ़ाया बेटा उसकी रोटियां गिनेगी, बहुत भूख लगती है इसको, खाता ही रहता है। अंतर देख रहे हैं आप, पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगा कभी हिसाब नहीं लगाता, पिता परमात्मा भी अपने बच्चों को देकर कभी हिसाब नहीं लगाता, मैंने क्या दिया,
लेकिन ये कहा है कि हर भक्त को हिसाब लगाना चाहिए क्या क्या भगवान ने मुझे दिया और थैंक्स करना चाहिए। ऐसे हर बेटे को, हर बेटी को अपने पिता के विषय में सोचना चाहिए, उसने मेरे लिए क्या क्या किया। आज आप नहीं सोचते, रहिए थोड़े दिन अमेरिका यूरोप में, वहां ना बेटा पिता के लिए ना पिता बेटे के लिए। गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं 10वीं तक जब तक बच्चा पढ़ता है तब तक आपको सब देख रेख करनी है, टीन एज तक जब तक नहीं बच्चा पहुंचता तब तक बस में जब भी आएगा तो घर में कोई ना कोई मिलना चाहिए बस से उसको लेने के लिए। ये नियम है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। वहां कोई नहीं मानता किसी को भी, इसलिए वहां बच्चे भी अनाथ होते हैं और बुजुर्ग भी अनाथ होते हैं, और ये जोन में जाकर के फेंक करके आ जाते हैं, इसलिए किसी को कोई ममता नहीं। कलेजे से रख करके मां नहीं पालती, वहां पन्ने में डाल देती है, कमरा अलग रख दिया जाता है, वहां बच्चा रहेगा, एक कैमरा लगा दिया जाएगा, माइक उसमें लगा हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट साथ में बैठ के लगा हुआ है, बच्चा रोएगा तो उसे पता लग जाता है। असल में तो जब पैग पी करके लेट गए उसके बाद में ध्यान ही नहीं होता, रोते रोते अपने आप सोएगा बच्चा। निर्दयता से पाला गया बच्चा बदले में क्या देगा, डब्बे का दूध पीने वाला खुद डब्बा हो जाएगा, कहां प्यार रह जाएगा। जितनी ममता से प्यार से हिंदुस्तान में बच्चे पाले जाते हैं, उन बच्चों का भी फर्ज है अपने माँ बाप के लिए। कुछ नहीं दे सकते, वक्त तो दे दो। एशिया महाद्वीप में आज भी बहुत अच्छी बात है कि ये ममता वाला द्वीप है, और इसमें भारत ये तो सौभाग्य का द्वीप है, भारत तो भारत। पति पत्नी का अकाउंट हिंदुस्तान में इतना नहीं होता अलग अलग, अगर है भी अकाउंट अलग तो भी पत्नी कहती मेरा कुछ नहीं है, सब उनका है। पत्नी वो जो अपने पति के लिए सारा दिन बीमार होने के बाद भी भूखी बैठी हुई है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत है, वो सोचती है कि मेरे पति की उम्र बढ़े और मैं दुनिया से जाऊं तो लाल सुर्ख बीड़े में जाऊं, मतलब मेरा पति रहे वही मुझे विदाई दे, उसके हाथों से मेरी विदाई हो, सुहाग वाली होकर के दुनिया से विदाई लो, विदा करने आए तो वही आए, पहले जाना चाहती है पति से। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान की संस्कृति के विषय में, इसलिए मैं तो ये कहूंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी देश में यह होता है कि अर्थी जा रही है, लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, आदर देते हुए जा रहे हैं। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, दोस्त सब पैदल चलेंगे, हम कंधों पे सवार छोड़ने के लिए जा रहे हैं। विदेश में मर गया कोई 7 दिन वेट करना पड़ता, संडे वाले दिन छुट्टी वाले दिन फोन करके टाइम देना पड़ता है, मर गए आप साथ चलिए, फिर थैंक्स करना पड़ता है, आप लोग हमारे दुख में साथ आए। यहां नियम है कि किसी के घर में दुख हो जाए पता लग जाए पहुंच जाओ तुरंत, ये पुण्य है, इसलिए पुण्य मानने वाला इंसान किस धरती पर बसता है, पुण्य धरा पर बसता है, ये हिंदुस्तान पुण्य धरा है, पुण्य धरा है, क्योंकि देश का संत हिंदुस्तान के लोगों के हृदय में अपनी संस्कृति के अंकुर पैदा करता है, इसलिए लोगों के अंदर पुण्य, इसलिए अपने देश में इतना प्रेम रखा गया, सबसे ज्यादा प्यार दिया गया मां को। गौ मां, धरती मां, भारत मां, गंगा मां, सब जगह मां जोड़कर, क्योंकि इससे पवित्र प्यार कोई हो ही नहीं सकता। हम इस तरह से अपने रिश्तों को महत्व देते हैं कि मां वाला रिश्ता गंगा ने जोड़ दिया, गाय में जोड़ दिया। यहां मूर्ख लोग नहीं है, ये प्रेम वाले लोग हैं, ये बताना चाहते हैं कि जिसने भी हमारी जिंदगी को जीने में आसान किया,
उसके एहसान को हम प्रेम में ममता के रूप में बोलते हैं कि ये गंगा माँ है, ये गरुड़ माँ है, ये भारत भारत नहीं है, भारत माता है। कितना प्यार है। और माँ एक ही तो इस दुनिया में ऐसी है जिसकी कभी छुट्टी नहीं होती, माँ की कभी छुट्टी नहीं होती। बीमार भी हो जाए तो भी सिर पर पट्टी बांध कर अपने बच्चों का काम करती रहेगी, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए काम करती रहेगी। क्यों? उसे खुशी मिलती है इस बात पर, अपने बच्चों के लिए जीकर। आप अपने सब रिश्तों पर ध्यान देना। और मैं एक बात कहूंगा, माँ सबकी जगह ले सकती है, सब रिश्तों की जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। माँ को कितना भी बड़ा गिफ्ट दे देना आप, हमेशा छोटा होगा, क्योंकि माँ ने जितना बड़ा गिफ्ट आपको दिया, जिंदगी देने का, जीवन देने का गिफ्ट जितना बड़ा माँ ने दिया, इतना बड़ा गिफ्ट कोई दुनिया में नहीं दे सकता। इससे बढ़कर उपकार किसका होगा? माँ का उपकार है। अपनी माँ को, अपने पिता को समझना सीखिए। दो घड़ी उनके पास बैठिए, उनके साथ बैठकर, क्योंकि कार्ड भेज देने से, मदर्स डे फादर्स डे पर कार्ड भेज देने से कुछ नहीं होता। वक्त दो, उनको समझो, बैठो। और कभी कभी अपनी गलती के लिए माफी मांगो। कार्ड भी अगर लिखकर देते हैं, बढ़िया सा कुछ शब्द लिखकर साथ में, हर उस चीज के लिए जो आपके होने से मेरी जिंदगी में आई, आपके होने से जो मैं कुछ आज हूं, उस सब के लिए मैं तुम्हारा थैंक्स करता हूं मेरे पिता। लिख करके रख दीजिए कार्ड, सुबह उठकर पढ़ें, मेरे बच्चे मुझे समझते हैं, बहुत चैन मिलेगा। कोई है, मैं इनके लिए करता हूं, ये मेरे लिए कुछ भी ना करें, बस मुझे समझ रहे, इतने से तसल्ली हो जाएगी। इतने से भी माँ बाप को अच्छा लगता है। और अगर आपके बड़े बुजुर्ग ज्यादा बुजुर्ग हैं तो अपना वक्त दिया करो, उनका ध्यान रखा। तो इतना ही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर, बहुत प्रेम से, भावना से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए। और जितनी बड़ी जगह थी, कहीं पर भी बैठने के लिए स्थान नहीं है, लगता पूरा औरंगाबाद यहाँ उमड़ पड़ा है। ये आपका प्रेम है। फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर चर्चा होगी। वक्त नहीं था, और अच्छा है जल्दी खत्म हो गया, नहीं तो मैंने उदासी की बातें शुरू कर दी थी, भावुकता के आंख में आंसू आ जाते आपके, और मैं नहीं चाहता था कि आपको भुला कर जाऊं। मैं चाहता हूं आपके दिलों में बहुत बहुत प्यार छोड़ कर जाऊं। मैं आपको याद करूं, आप मुझे याद करें, और हम मिलकर अपने भगवान को याद करें। भला करो भगवान सब Thank you.
इसी तरह माँ कभी बाबा जी जो सुविधा की गई है उससे भी हम आभारी है। सभी श्रोता जो हम बाहर गाँव से आए हुए भक्तजन है पांच जी जी ने आकर जो गाना अमृत प्राप्त किया है उनका भी हम सत्संग समिति की ओर से आभार मानते हैं। स्टेज के ऊपर जो विश्वेश्वर मंदिर की प्रतिमा आरती के लिए अनुग्रह से मैंने भी श्रद्धा करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय Thank you.